और राइट फ्रेंड्स, तो अभी अपने को मेन जो चीज़ है वो अपने को क्या ध्यान रखना है वो आप ज़रा समझ लीजिए कि देखिए अपना क्वेश्चन बुक अलग है राइट, और अपना सॉल्यूशन बुक अलग है। ओके, आपको मैंने दोनों दिए हैं, क्वेश्चन बुक का भी प्रिंट आउट है आपके पास और सॉल्यूशन बुक का भी आपके पास प्रिंट आउट है। ओके, अगर आपके पास नहीं है, अगर आपने सॉफ्ट कॉपी ली हुई है तो आप निकाल लीजिए राइट। अब आप देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर वन, हम लोग चैप्टर सिक्स कंटिन्यू करेंगे, दिस इज योर चैप्टर सिक्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन है पेज नंबर 38। ओके, और इसका सॉल्यूशन आपका रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा क्वेश्चन नंबर वन का एंड योर योर पेज नंबर 6.7, पेज नंबर 6.7। आर यू गेटिंग? चैप्टर नंबर सिक्स है आपका, ओके, क्वेश्चन नंबर वन है पेज नंबर 38 और सॉल्यूशन है इसका क्वेश्चन नंबर वन का पेज नंबर 6.7। ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर वन का पेज नंबर 6.7 और ये है आपका ये सही है। सुनो फ्रेंड्स, आर यू फॉलोइंग ऑन? ओके, आप एक एक करके आप जरा देख लीजिए क्या बोलना चाह रहे हैं राइट। ओके, कैन आई स्टार्ट? द प्रोडक्ट ऑफ ए कंपनी पासेस थ्रू थ्री प्रोसेसेस हैं अपने पास, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी। टू कंप्लीशन फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज अशर्टेन दैट नॉर्मल वेस्टेज इन ईच प्रोसेस इज एज अंडर ए बी एंड सी। ए में 2%, बी में 4% एंड सी में 2.5%। उनका स्क्रैप वैल्यू अपने को दे रखा है 25 पैसे पर यूनिट, 50 पैसे पर यूनिट, 60 पैसे पर यूनिट। एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, अदर फैक्ट्री एक्सपेंस फॉर प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी। 4,000 units पर इनिशियली प्रोसेस ए एट ए कॉस्ट ऑफ 13,560, द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस वॉज एज अंडर। आउटपुट है ए में अपने को मिल रहा है 3850, बी में अपने को मिल रहा है 3600, सी में अपने को मिल रहा है 3500। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन शो द नेसेसरी अकाउंट्स। इसका मतलब आपको जो भी नेसेसरी अकाउंट्स हैं वो आपको बनाने, मैंने आपको क्या बताया, आपको कुछ सोचना नहीं है कभी भी, क्योंकि कभी भी अगर आपको प्रोसेस कॉस्टिंग का कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बनाना है वर्किंग नोट। अगर आपका वर्किंग नोट प्रॉपर बन गया तो आपको प्रॉब्लम होगा नहीं। तो चले अपन, इट मीन्स दिस इज योर प्रोसेस, प्रोसेस ए। ओके, प्रोसेस ए में दे दीजिए इनपुट, दिस इज योर प्रोसेस ए एंड प्रोसेस ए में दे दीजिए इनपुट एंड इनपुट आपका आ रहा है फ्रेंड्स 4,000 units। इनिशियली आप कितना बता रहे हैं, 4,000 units पर इनिशियली प्रोसेस ए, इनिशियली प्रोसेस ए में एट ए कॉस्ट ऑफ 13,560। ओके, अब इसके अंदर देर इज ए नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस 2% ऑफ 4,000 इज 80। इट मीन्स your expected output, it means your expected output will be 4,000 minus 80 is 3,920, but आपको actual में मिल रहा है, actual में आपको मिल रहा है 3,850 and that's why there is a abnormal loss of 70. जो एबनॉर्मल लॉस होगा वो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 70। कैसे? प्रोसेस ए, प्रोसेस ए में देर इज ए इनपुट, इनपुट आपने कितना डाला है 4,000, नॉर्मल लॉस मैंने क्या बताया था दैट इज ए अनकंट्रोलेबल लॉस, आप इस लॉस को कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज द लॉस बिकॉज ऑफ इनहेरेंट नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का नेचर ही ऐसा है कि आप इस लॉस को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपको लॉस कितना होगा 2% ऑफ 4,000 इज 80। आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आएगा, आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट आपका आएगा, आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट आपका क्या आएगा फ्रेंड्स, आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा इज
3920. Actual output 3850, and that's why there is a abnormal loss and abnormal loss of 70. अब मैंने आपको क्या बताया था, योर कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू योर टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस एंड रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस. ओके, ये आपका निकल के आएगा नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट. सही है सुनो फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग और नॉट? ओके, अब आप आ जाइए, दिस इज योर, इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा योर प्रोसेस अकाउंट. दिस इज पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट. ओके, टू मटेरियल 4000, वैल्यू इज 13560. टू अगेन अनदर मटेरियल, मटेरियल इज 12000. टू डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर इज 16000. टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 2000. एंड टू अदर फैक्ट्री ओवरहेड इज 3500. सो योर टोटल कॉस्ट विल बी 13560 प्लस 12000 प्लस 16000 प्लस 2000 प्लस 3500. 47060. ये क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? आप मुझे बताइए, आपको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं? इट मीन्स आपका टोटल मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट 4000 यूनिट्स, 13560, अनदर मटेरियल 12000, देन 16000, 2000 एंड 3500. अब इसके बाद आप आ जाइए फ्रेंड्स, नॉर्मल लॉस को हम लोग सेल कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 0.25. इट मीन्स 80 × 0.25 एंड दिस कम्स टू 20. इट मीन्स आपका नॉर्मल लॉस 80 और रियलाइजेशन 20 और इनपुट आपका 4000. इट मीन्स 47060 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 3920 एंड दिस कम्स टू पर यूनिट कॉस्ट 12. इट मीन्स इनटू 12 840 एंड 3850 इनटू 12 इज 46200. सही आंसर है. आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बोलिए? कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट प्रोसेस अकाउंट से हम लोगों ने ले लिया. कहाँ पे प्रोसेस अकाउंट? ये टोटल आपका कॉस्ट आ गया प्रोसेस का, राइट? प्रोसेस से ले लिया. देन इनपुट, इनपुट हमारा अपने को दे ही रखा है. इनपुट इज ए 4000, नॉर्मल लॉस 2% ऑफ 4080 और उसका रियलाइजेशन है 25 पैसे, मीन्स 20 पर यूनिट कॉस्ट आ गया 12. आपका एक्चुअल आउटपुट है 3850 इंटू 12, 46200 एंड 840. इट मीन्स क्या हम लोगों ने इनपुट डाला था? हम लोगों ने इनपुट डाला था 4000. उसमें से हमें पता है, मैनेजर बोलता है कि 2% तो आपको लॉस होने ही वाला, मीन्स 80 का तो आपको लॉस होगा ही होगा. तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना बचा? हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है 3920. हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आ रहा है? 3920, बट हम लोग को एक्चुअल मिल रहा है 385. तो इसको कंपेयर करेंगे. हम लोग को एक्सपेक्टेशन था कि हमको मिलेगा 3920. हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि हमको मिलेगा 3920, लेकिन हमें एक्चुअल में क्या आ रहा है? हमें एक्चुअल में आ रहा है ओनली 3850. तो बाकी का जो बचा, दैट इज ए एबनॉर्मल लॉस. मैंने आपको क्या बताया? आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस. आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस. आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस.
It means whenever there is a loss because of your own mistake, that loss you can't recover from the customer. Or if you are going to recover, you cannot survive because your cost of process will increase. तो इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं कि abnormal loss को हम लोग किस पे value करेंगे? On normal cost. अब आप आ जाइए, this is your process. आपको क्या दे रहा है? एक normal loss, एक abnormal loss और एक because this is a continuous process. So output of process one becomes a input of process two. तो इसका जो output है A का वो कहाँ चला जाएगा? B में. तो क्या entry pass हो जाएगी? Normal loss account debit, abnormal loss account debit, process B account debit to process A account. It means by normal loss by abnormal loss and by process B account. Okay, क्या दे रखा है आपने को? Normal loss 80, आपको normal loss क्या दे रखा है? 80, abnormal loss आपका 70 और ये आपको दे रखा है 3850. इसका कॉस्ट है 46200 अपन ने निकाला था, इसका कॉस्ट है 840 और इसका कॉस्ट है 20. अब आप देखो आपका टोटल टैली होना चाहिए 4000. इट मीन्स 13560 प्लस 12000 प्लस 16000 प्लस 2000 प्लस 3500 इज 47060. 47060. It means 20 plus 840 plus 46200 is 47060. ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं? आउटपुट ऑफ प्रोसेस वन बिकम्स द इनपुट ऑफ प्रोसेस टू. हमें प्रोसेस करने के बाद 80 नॉर्मल लॉस मिला, उसका सेल्स वैल्यू 20 है. एबनॉर्मल लॉस यू हैव टू वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट? एंड 3850. अब ये 3850 जो आपका है, ये नेक्स्ट प्रोसेस के लिए क्या बन जाएगा? इनपुट, बिकॉज दिस इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस. अब द प्रोडक्ट ऑफ ए कंपनी पासेस थ्रू थ्री प्रोसेस कंटिन्यूस है. ए का बी में जाएगा, बी का सी में जाएगा और सी आपको फिनिश गुड्स देगा करके. ए का बी, बी का सी और सी आपको देगा फिनिश गुड्स. सही है, सुनो. और सब कुछ जो मैं आपको बोल रहा हूँ, सब कुछ आपको लिखा हुआ है, प्रिंटेड नोट्स में है, तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. छोटे मोटे अगर कोई नोट्स अगर आपको याद रखने के लिए लिखना है तो आप लिखिए, अदरवाइज कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं. सो एक आपका नॉर्मल लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस बिकॉज ऑफ इनहेरेंट नेचर ऑफ मटेरियल वो लॉस हो गई होगा. उसके अलावा ओवर एंड अबव अगर ये लॉस होता है तो दैट इज़ अ लॉस बिकॉज ऑफ आवर ओन मिस्टेक. सो वी हैव टू डेबिट और क्रेडिट इन आवर P&L अकाउंट एंड देन बाय प्रोसेस बी. अब आप आ जाइए, दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर टू. अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, आप किस में आ जाएंगे? दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर टू. इट मीन्स आउटपुट ऑफ प्रोसेस वन बिकम्स द इनपुट ऑफ प्रोसेस टू. आउटपुट ऑफ प्रोसेस वन बिकम्स द इनपुट ऑफ प्रोसेस टू. हमें कितना मिल रहा है? इट मीन्स दिस इज योर प्रोसेस बी इनपुट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस ए 3850. इनपुट रिसीव फ्रॉम प्रोसेस ए 3850. आउट ऑफ दिस देर इज ए नॉर्मल लॉस एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट. एक्सपेक्टेड आउटपुट यू कंपेयर एक्चुअल एंड दिस यू ट्रांसफर टू. ओके, आ जाइए 3850. क्या लॉस अपने को बोल रहा है? 4%. 4% ऑफ 3850. इट मीन्स 3850 का 4% इज 154 बैलेंस 3696.
जबकि हमें एक्चुअल में आ रहा है 3600 एंड दैट्स वाई देर इज ए एबनॉर्मल लॉस. एंड वॉट इज योर एबनॉर्मल लॉस? एबनॉर्मल लॉस इज ए 96. सही है सोनो फ्रेंड्स, आपका जो एबनॉर्मल लॉस है वो आपका एबनॉर्मल लॉस क्या आएगा? 96. देन कॉस्ट पर यूनिट, इनपुट 3850, नॉर्मल लॉस 154 को हम लोग कितने में सेल करेंगे? 50 पैसा. इट मीन्स 154 इंटू 0.5 इज 77. और प्रोसेस हमें कितने का टोटल कॉस्ट है उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स? दिस इज योर प्रोसेस बी अकाउंट. प्रोसेस बी अकाउंट सबसे पहले हमें मिलेगा टू प्रोसेस ए अकाउंट 3850 46200. ये हमें मिला था ना फ्रेंड्स, बोलो, प्रोसेस ए से मिला था ना 46200, राइट? 46200 अपने को मिल गया. अब हम लोग क्या डाल रहे हैं? टू मटेरियल 10,000, टू डायरेक्ट लेबर 5,000, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 3400, टू अदर फैक्ट्री एक्सपेंस इज 2005. ओके, सो टोटल कॉस्ट विल बी 46200 प्लस 10,000 प्लस 5,3400, 2005, 66605. ये आपका टोटल आ रहा है 66605 माइनस 77 डिवाइडेड बाय 3696 एंड योर कॉस्ट पर यूनिट विल बी 18 इंटू 18 इट मीन्स 3600 इंटू 18 इज 64896 इंटू 18 इज 1728. सही है सुनो, परफेक्टली क्लियर हो? नॉट एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं? इनपुट मेरा कितना था, ये फॉर्मेट ही आपको फॉलो करना है. आगे जाके मैं आपको बताऊंगा जब मिसिंग फिगर के क्वेश्चन आएंगे तो ये फॉर्मेट आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है. इट मीन्स इनपुट कितना है आपका? 3850. व्हाट इज द इनपुट? इनपुट इज 3850. 4% ऑफ 3850 इज 154. ओके, एक्सपेक्टेड आउटपुट 3696, एक्चुअल अपने को 3600, दैट्स व्हाई देयर इज ए एबनॉर्मल लॉस ऑफ दिस. क्या अपना फॉर्मूला है? टोटल कॉस्ट माइनस रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाई इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस. इनपुट 3850, आपका नॉर्मल लॉस 154 इंटू 0.5 इज 77. तो आपका ये अपना जो टोटल कॉस्ट आ गया, अपना टोटल कॉस्ट इज 66605. सही है. इट मीन्स अब अपने को क्या मिल रहा है? प्रोसेस करने के बाद अपने को मिल रहा है नॉर्मल लॉस, अपने को मिल रहा है एबनॉर्मल लॉस, अपने को मिल रहा है क्योंकि वट एवर आउटपुट इज देयर दैट को वी विल ट्रांसफर टू प्रोसेस सी. इट मीन्स बाय नॉर्मल लॉस बाय एबनॉर्मल लॉस एंड बाय प्रोसेस सी अकाउंट. ऑलराइट, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? नॉर्मल लॉस 154 77, 3600, दिस इज 64896 एंड 1728. आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिला है. जस्ट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर, राइट? इट मीन्स 77 1728 प्लस 64800 इज 66605.
ये भी आपका 4600 प्लस 10,000 प्लस 5 प्लस 3400 प्लस 2005 66605 3850 एंड दिस इज 3850 इट मीन्स 154 प्लस 96 प्लस 3600 राइट इट मींस आफ्टर द प्रोसेस अपने को क्या मिल रहा है नॉर्मल लॉस मिल रहा है नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट एंड बिकॉज आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए बिकम्स द इनपुट ऑफ प्रोसेस बी आउटपुट ऑफ प्रोसेस बी बिकम्स द इनपुट ऑफ प्रोसेस सी तो हम इसको कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं सी में ट्रांसफर कर रहे हैं सही है सुनो सी में आपको क्या इनपुट मिलेगा 3600 उसका कॉस्ट क्या रहेगा 64800 सही है सुनो फ्रेंड्स समझ में आ रहा है आपको एकदम क्लियर हो रहा है एक कंसेप्ट हाँ ओके अब आप आ जाइए दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर 3 एंड दिस इज योर प्रोसेस सी इनपुट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस बी इनपुट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस बी कितना इनपुट अपने को रिसीव हो रहा है फ्रेंड्स 3600 आउट ऑफ दिस देर इज ए नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड आउटपुट व्हाट इज द नॉर्मल लॉस इज 2.5% ऑफ 3600 इंटू 2.5% इज 90 एक्सपेक्टेड आउटपुट 3510 जबकि आपका एक्चुअल आ रहा है ओनली 3500 तो आपका एबनॉर्मल लॉस आएगा इज ए 10 सही है सुना फ्रेंड्स इज दिस क्लियर और नॉट प्लीज टेल इनपुट आपका क्या रहेगा फ्रेंड्स बोलो इनपुट आपका 3600 2.5% ऑफ 3600 90 एक्सपेक्टेड आउटपुट 3510 एक्चुअल आपको 3500 एंड दैट्स व्हाई देयर इज ए लॉस इट मींस योर कॉस्ट पर यूनिट टोटल कॉस्ट माइनस रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस ओके 3600 आपका इनपुट है आपका नॉर्मल लॉस है 90 और 90 को बेचने जाएंगे मार्केट में तो 60 पैसे के हिसाब से बिकेगा इज 54 और अपने को टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस के लिए क्या बनाना पड़ेगा इज ए प्रोसेस अकाउंट इट मींस दिस इज योर प्रोसेस सी अकाउंट टू प्रोसेस बी 3600 एंड 64800 ये कहाँ से अपने को मिला ये अपने को मिला प्रोसेस बी से मिला 64800 3600 सही है सुनो फ्रेंड्स कहाँ से अपने को मिला बोलो 64800 अपने को कहाँ से मिला फ्रॉम प्रोसेस बी आर यू फॉलोइंग ऑन ऑर्डर ठीक है अब आप आ जाइए 64800 अब हम लोगों ने क्या डाला टू मटेरियल कितने का मटेरियल डाल रहे हैं 9000 टू डायरेक्ट लेबर 4900 टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 3590 टू अदर फैक्ट्री एक्सपेंस 2004 ये आपका क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट इट मींस 64800 प्लस 9000 प्लस 4900 प्लस 3590 प्लस 2004 84294 आपका हो जाएगा 84
294 divided by 3510 is 240. It means 3500 into 24 is 84,000. Say yes or no. ऑल राइट कैलकुलेशन मतलब यही फॉर्मेट इज इम्पोर्टेंट मीन्स डीकेसी में दानी की कॉस्टिंग में आपको लगना चाहिए कि यार मजा आ रहा है करके ना आपका जो फॉर्मेट पार्ट है आपको कुछ नहीं करना है इनपुट इनपुट नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड आउटपुट एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड आउटपुट उसको कंपेयर करो एक्चुअल से भाई हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 3510 हम लोगों ने इनपुट कितना दे रहा 3600 लॉस हो गया 2.5% ऑफ 3600 इज 90 Expected output is 3510. Actual 3500. That's why there is a abnormal loss of 10. Bolo. Understand or not? Perfectly clear? It means ajay aap. It means by normal loss account by abnormal loss account. And by finished goods account because this is a final process, right? So yes, sir. Final process is your normal loss. Your how much was 90, and how much will it be? 54. Then your 10 is 240. Then 3500 and 84,000. इसी के साथ आपका क्या हो जाएगा प्रोसेस अकाउंट टैली 3600 इट मींस 54 प्लस 240 प्लस 84 इज 84,800 प्लस 9000 प्लस 4900 3590 plus 2004 and this comes to 84,290. Say yes or no brothers. Is this clear or not? बोलिए perfectly clear or not? तो ये आपके हो गए process A, process B and process C. Now you come to normal loss, abnormal loss और abnormal gain. तो यहाँ पे तो तीनों process में अपने को abnormal loss ही है तो गेन अकाउंट नहीं बनेगा ओके गेन अकाउंट अपना नहीं बनेगा आर यू गेटिंग ओनली अपने को क्या बनेगा नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस ऑफ फर्स्ट नॉर्मल लॉस अकाउंट Particulars, quantity, amount, particulars, quantity, amount. Then आप आ जाइए abnormal loss account. Okay, अब तीनों process में it means two process A account. To process B account to process C account to process A account to process B account to process C account okay process A में आपका normal loss था 80 value था 20 B में 154.77 C में 90 and 54 abnormal loss आपका था 70 840 96 1728 and 10 240 if you want you can verify also your answer
सही आंसर ना फ्रेंड्स, करेक्ट। ये मैंने कहाँ से पिकअप किया, फ्रॉम प्रोसेस अकाउंट से ना, प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस ए, प्रोसेस ए में आप देखिए 80, 20, 70, 8, 40, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट, सही है सोनो, ठीक है। अब इनको अपन सेल करने जाएंगे, दोनों प्रोसेस में लॉस है, तो जो पर्सन आपका लॉस परचेज कर रहा है, जो पर्सन आपका लॉस ले रहा है, ही इज नॉट कंसर्न कि आपका लॉस नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, वो आपको क्या पे करेगा, एट द रेट ऑफ नॉर्मल लॉस, इट मीन्स बाय कैश 80-20, बाय कैश 25 पैसे के हिसाब से, इसका मतलब 70 × 0.25 आपका आएगा 17.5, फिर आपका ये बिकेगा बाय कैश 154.77, बाय कैश 96, 50 पैसे के हिसाब से 96 × 0.5 is 48, देन बाय कैश 90.54, बाई कैश 60 पैसे के हिसाब से 10.6, बाकी का जो बचेगा वो आपका कहाँ चला जाएगा, बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि इसमें तो बैलेंस आपका बचेगा ही नहीं, ये तो हमेशा आपको टैली मिलेगा, इट मीन्स 80 + 154 + 90 is 324, 20 + 77 + 54 is 151, 20 + 77 + 54 is 151, ये टोटल आपका 70 + 96 + 10 is 176, 70 + 96 + 10 is 176, 840, 170, 840, 1728 + 2408 - 17.5 - 48 - 6 is 2736.5, जो बैलेंस आपका बचेगा वो कहाँ चला जाएगा फ्रेंड्स, इन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। इसी के बेस पे मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगा आगे, इसे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन करके ना, अपना इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का क्वेश्चन अपन करेंगे करके, आप मुझे बताइए फ्रेंड्स इज दिस क्लियर और नॉट। और सारे आपको क्या है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास सॉल्यूशन है, प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास सॉल्यूशन है, आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इन द प्रिंटेड फॉर्म यू हैव द सॉल्यूशन, आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास सॉल्यूशन है, आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आर यू फॉलोइंग ऑन ऑल फ्रेंड्स, परफेक्ट। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन बुक अलग है, सॉल्यूशन बुक अलग है, तो आप जरा आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 38, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 विच इज देयर इन पेज नंबर 6.10, वो आपको कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 6.10। आर यू फॉलोइंग, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 6.10, और क्वेश्चन आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 38। फॉर्मेट आपको यही रखना है, देखिए जरा, ए प्रोडक्ट थ्रू टू अपने पास प्रोसेस है ए एंड बी, एंड देयर आफ्टर इट इज ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक, इट मींस ए, ए से कहाँ जाएगा बी से, और बी से कहाँ जाएगा आपका फिनिश्ड गुड्स। ए प्रोडक्ट थ्रू टू प्रोसेस है, अपने पास ए है, ए से कहाँ जाएगा बी में जाएगा, और बी से हमारा कहाँ जाएगा इस फिनिश्ड गुड्स में। प्रिपेयर ए प्रोसेस अकाउंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन,
आपके फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन से आपको क्या बनाना है, इज ए प्रोसेस अकाउंट। आपके पास मटेरियल है, नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, आउटपुट, नॉर्मल लॉस, वैल्यू ऑफ स्क्रैप, सब कुछ आपको दे रखा है, राइट। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, कभी भी अगर प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, कभी भी अगर प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 इज प्रोसेस ए। प्रोसेस ए इज इनपुट। इनपुट कितना है आपका, इनपुट है आपका, आपको दे रखा है नंबर ऑफ यूनिट्स इनपुट इज 10,000। आउट ऑफ दिस देयर इज ए नॉर्मल लॉस एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट। व्हाट इज योर नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ 10,000 इज 1,000, एक्सपेक्टेड आउटपुट 9,000। जबकि हमें एक्चुअल में आउटपुट मिल रहा है, दिस इज योर एक्चुअल विच वी विल ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। प्रोसेस बी में चला जाएगा हमारा, एंड बाकी का इज योर एबनॉर्मल लॉस 8500 एंड दिस कम्स टू 500। सही है सर। प्रोसेस ए, प्रोसेस ए में देर इज ए इनपुट, इनपुट ऑफ 10,000, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ दिस 9,000, प्रोसेस बी 8500 एंड एबनॉर्मल लॉस 500। ठीक है, दिस इज योर कॉस्ट पर यूनिट। इनपुट, इनपुट 10,000, देन नॉर्मल लॉस 1,000, नॉर्मल लॉस का सेल्स वैल्यू है 0.5, इट मीन्स 500। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो क्या बोल रहा है अपने को। प्रोसेस ए, प्रोसेस ए में देर इज ए इनपुट ऑफ 10,000, नॉर्मल लॉस, एनी लॉस बिकॉज ऑफ इनहेरेंट नेचर ऑफ मटेरियल। कोई भी लॉस है, अगर आपका इनहेरेंट नेचर ऑफ मटेरियल है, दैट इज मीन्स टोटली अनकंट्रोलेबल, राइट। एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना है, 9,000, ए 500, ओके। कॉस्ट पर यूनिट इज इनपुट 10,000, नॉर्मल लॉस एंड 500। सही है सोना। परफेक्टली क्लियर हूँ। अब आप निकाल लीजिए टोटल कॉस्ट, इट मीन्स प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस ए अकाउंट फ्रेंड्स कितना मटेरियल हम लोग डाल रहे हैं, इट मीन्स 2 मटेरियल अकाउंट 10,000 यूनिट्स, उसका अमाउंट रहेगा 20,000। दिस इज पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, अमाउंट। 2 डायरेक्ट लेबर, 4,000। 2 मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज 8,000, सो द टोटल कॉस्ट विल बी 32, इट मीन्स 32, सो 32 माइनस 500, 32,000 माइनस 500 इज 31,500 डिवाइडेड बाई 9,000 इज 3.5 इंटू 3.5 into 3.5, it means 8500 into 3.5 is 29,750 and 500 into 3.5 is 175. Say yes or no, friends. Perfectly clear हो रहा है, right? क्या करेंगे? Normal loss account debit, abnormal loss account debit, प्रोसेस बी अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस ए अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, इट मीन्स बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट बाय
abnormal loss account and by process B account. थर्टी टू नॉर्मल लॉस कितना है 1500, कहाँ से लिया, यहाँ से ना, नॉर्मल लॉस 1500, 8500, 8500, 29750, एबनॉर्मल लॉस 500 एंड 1750, यहाँ से 500 एंड 1750, ओके टैली कर लीजिए, 500, 1750, 29750 is 32,000. सही है, सुनो, ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, बोलो, प्रोसेस ए अकाउंट अपना क्या हो गया, कंप्लीट। प्रोसेस ए अकाउंट अपना क्या हो गया, कंप्लीट, कंप्लीट ऑफ प्रोसेस ए अकाउंट। ओके, नाउ यू गो टू, दिस इज योर आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए बिकम्स द इनपुट ऑफ प्रोसेस बी, इट मीन्स दिस इज वर्किंग नोट नंबर टू, आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बोलो, वर्किंग नोट नंबर टू, मीन दिस इज योर प्रोसेस बी अकाउंट, इनपुट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस ए, इनपुट रिसीव फ्रॉम प्रोसेस ए विल बी 8500, आउट ऑफ दिस देयर इज ए नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस आपको क्या दे रखा है फ्रेंड्स, 15% ऑफ 8500, इट मीन्स 8500 इंटू 15% इज 1275, दिस इज एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 7225, लेकिन आपको एक्चुअल में आउटपुट मिल रहा है, एक्चुअल आपको मिल रहा है इज फिनिश गुड्स आपको मिल रहा है से 8000, हमने इनपुट डाला था, बोलो, इनपुट डाला था 8500, उसमें से बोल रहा है, हमारा मैनेजर बोलता था 15% लॉस तो होगा ही होगा बिकॉज ऑफ इनहेरेंट नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का नेचर ही ऐसा है कि अपने को 15% लॉस होगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट 7225, एक्चुअल अपने को 8000, एंड दैट्स व्हाई देयर इज ए एबनॉर्मल गेन, दिस इज योर एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन आपका हो जाएगा माइनस 8000 एंड दिस कम्स टू 775, आपका एबनॉर्मल गेन हो जाएगा 775, आपका एबनॉर्मल गेन हो जाएगा 775, सही है सुनो फ्रेंड्स, राइट। अब आप आ जाइए, दिस इज योर कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू, ओके दिस इज योर नॉर्मल लॉस 1275, इनपुट 8500, ठीक है, देन रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस विल बी 0.8, इट मीन्स 1275 इंटू 0.8 इज 10 1020, ओके सही है सुनो फ्रेंड्स, नाउ टोटल कॉस्ट आप ले लीजिए, उसके लिए यू हैव टू प्रिपेयर द प्रोसेस बी अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट दिस इज योर प्रोसेस बी अकाउंट, टू प्रोसेस ए, प्रोसेस ए
प्रोसेस ए से हमें कितना मिल रहा है फ्रेंड्स, प्रोसेस ए ट्रांसफर टू प्रोसेस बी इज, प्रोसेस ए से हमें कितना मिल रहा है 8500 और उसका कॉस्ट था 29750। क्या कॉस्ट था उसका 29750। 8500 मिला था ना अपने को ए से, ए से मिला 8500, उसका कॉस्ट है 29750। ठीक है, नाउ टू डायरेक्ट लेबर 14000, टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 20000, ओके बाय नॉर्मल लॉस बाय फिनिश गुड्स। आपको फिनिश गुड्स कितना मिल रहा है 8775 इज ए एबनॉर्मल गेन, टू एबनॉर्मल गेन 775, फिनिश गुड्स 8000 और नॉर्मल लॉस आपको मिल रहे हैं 1275। सही है, सुनो ये आपका टैली होना चाहिए यहाँ, 8500 प्लस 775 इज 9275, 1275 प्लस 8000 इज 9275। सही है, सुनो फ्रेंड्स, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस आपका बिक रहा है 1020 में, तो 1020, ओके ये टोटल कॉस्ट आ रहा है 29750 प्लस 14000 प्लस 20 इज 63750। इट मीन्स 62750 - 1020 62735 8500 - 1275 - 7225 इट मीन्स 62735 डिवाइडेड बाय 7225 इज 8.68 आएगा आपका। लेकिन बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन है इसके लिए क्या करो, 62730 divided by 7225 into 8000 करेंगे तो 69459 आपका आ जाएगा, ओके एंड 775 into 62730 divided by 7225 करेंगे तो आपको आएगा 6729। राउंड ऑफ करके अपन ले सकते हैं। सही है सुनो फ्रेंड्स, अगर आपको फ्रैक्शन में आता है तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आपको फ्रैक्शन में आ रहा है तो अगर इस तरह से अगर अपन करेंगे तो अपना काम हो जाएगा, राइट, 69459 and 6729। सही है सुनो फ्रेंड्स, सो दिस इज एबनॉर्मल गेन 6729 और इसका कॉस्ट हो जाएगा 69459। इट मीन्स 29750 14000 26729 74749 74749 it means -1020 is 69450। सही है सर, फ्रेंड्स परफेक्टली क्लियर बना। प्रोसेस बी अकाउंट हो गया। अब इसके बाद क्योंकि इनमें दोनों हैं, आपके दोनों कवर हो जाएंगे, आपका नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन तीनों आपके कवर हो गए। लेकिन यहाँ तक बताइए आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अब आप आ जाइए, दिस इज योर फर्स्ट नॉर्मल लॉस अकाउंट।
then abnormal loss account, abnormal gain account. ठीक है, normal loss it means to process A account to process B account. अब देखो जरा, प्रोसेस ए में अपना क्या था, 1500, प्रोसेस बी में 1275 1020, 1275 1020. ओके, प्रोसेस ए में 1500. अब आ जाइए आप एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस कितना था, 500 1750, 500 it means to process A 500 and 1750, right? अब आप आ जाइए abnormal gain में, 775 6729 by process B account 775 6729. सही है सुनो, प्रोसेस ए में दोनों प्लेस पे आपको क्या है, लॉस है. प्रोसेस ए में दोनों प्लेस पे आपको क्या है, लॉस है. तो यू कैन सेल द लॉस, इट मींस बाय कैश अकाउंट 1500 एंड बाय कैश अकाउंट 500 and 250. क्योंकि जो सेल होगा वो किस हिसाब से सेल होगा, एट द रेट ऑफ नॉर्मल लॉस, एट द रेट ऑफ नॉर्मल लॉस. सही है सुनो फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे आपको लॉस भी है और यहाँ पे आपको गेन भी है. मैंने आपको क्या बोला, पहले गेन को एडजस्ट करने का, टू नॉर्मल लॉस अकाउंट 775, इट मींस बाय एबनॉर्मल गेन अकाउंट एंड बाय कैश, कितना 775 एंड देन 1275 minus 775 is 500. ओके, इसका रेट क्या था, इट मींस इसका रेट है 80 पैसे, इट मींस 400 एंड 775 into 0.8 is 620. ओके, प्रोसेस नॉर्मल लॉस अकाउंट आपका टैली हो गया, इट मींस 2275, दिस इज 2275, दिस इज 1520 1520 1520. इसमें आ जाइए आप, जो बैलेंस 500 and 1750, बैलेंस बाय कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट इज 1500 and 1750. इसमें टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट 775 775, ये जो बैलेंस है इट मीन्स 6729 minus 620 is 6109 6109, आपका कहाँ चला जाएगा, पी एंड एल अकाउंट, खत्म. तीनों सिचुएशन मैंने आपके कवर कर दिए, नॉर्मल लॉस भी है, एबनॉर्मल लॉस भी है और एबनॉर्मल गेन भी. पहले एबनॉर्मल गेन को अपन एडजस्ट कर लेंगे, किसके साथ हम एडजस्ट करेंगे, नॉर्मल लॉस के साथ. बाकी का नॉर्मल लॉस आपका क्या हो जाएगा, सेल. और इसका जो बैलेंस है वो कहाँ चला है, क्योंकि एक ही प्रोसेस में दोनों नहीं हो सकते ना, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन. तो पहले आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करने के बाद आपका ये सिचुएशन हो जाए. सही है सोनो, परफेक्टली आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. यू हैव एनी डाउट यू प्लीज टेल मी करके. ऑलराइट, ये हमारा हो जाएगा 6729, ये हो जाएगा 6729. ओके, एक आपको बहुत अच्छा एक क्वेश्चन कराता हूँ, जहाँ पे मैं एक आपको एक नई चीज सिखाता हूँ. अगर आपको क्वेश्चन में एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं दे रखा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को,
अगर आपको क्वेश्चन में एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं दे रखा है, अगर आपको क्वेश्चन में एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं दे रखा है, अगर आपको क्वेश्चन में एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं दे रखा है, बराबर, तो आपको वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं। मतलब जो भी आप एक्सपेक्ट करेंगे उतना आपको मिल ही जाएगा। अगर आपको एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन है और उसके सामने एक्चुअल दे रखा है, तो ही आपको एबनॉर्मल गेन और लॉस आएगा ना। इसमें तो एबनॉर्मल गेन और लॉस आने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपके पास एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं है, बराबर। एंड सेकेंड, मैं आपको रिवर्स लेके चलता हूँ। कॉस्ट पर यूनिट से आपको प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाने का, वो आप जरा देखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री। वापस से आप जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन बुक में आप जरा देखिए, पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर थ्री। एंड ये क्वेश्चन बुक में आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर थ्री, पेज नंबर 39। सॉल्यूशन बुक में आपको देखना है, सॉल्यूशन बुक में आपको देखना है क्वेश्चन नंबर थ्री एंड पेज नंबर 6.11, पेज नंबर 6.11, सही है, सुनो, पेज नंबर 6.11, परफेक्टली आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सही है, सुनो, ऑल राइट, आ जाइए आप इसी जोर। कैसे करेंगे? ए प्रोडक्ट पासेस थ्रू थ्री प्रोसेसेस, राइट, ए बी एंड सी। 10,000 यूनिट्स एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज 1 वर इश्यूड टू प्रोसेस ए। द अदर डायरेक्ट एक्सपेंस वर प्रोसेस ए बी एंड सी, सन्ड्री मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेस्टेज, इट मीन्स नॉर्मल लॉस ऑफ द प्रोसेस ए 5%, बी 4%। द वेस्टेज ऑफ प्रोसेस ए वॉज सोल्ड 0.25 पर यूनिट एंड दैट ऑफ बी एट 0.5 पर यूनिट एंड दैट ऑफ सी एट द रेट ऑफ 1 पर यूनिट। द ओवरहेड चार्जेस 160 पर 8% ऑफ डायरेक्ट लेबर। रिमेंबर बेसिक कंसेप्ट वाला बोलो, चार मेथड मैंने आपको बताए थे ट्रेडिशनल में। पहला ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज, वीक्स, मंथ्स और ईयर, एंड फोर्थ आपको बताया था एनी अदर मेथड। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 168% ऑफ लेबर। इसका मतलब ये परसेंटेज फॉर्म में है, एनी अदर मेथड। याद है आपको, मैंने दो मेथड आपको बताए थे रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स के, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न। ट्रेडिशनल में रिकवरी डेट बेस्ड ऑन यूनिट्स, रिकवरी डेट बेस्ड ऑन आवर्स, रिकवरी डेट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेज, वीक्स, ईयर और मंथ, और रिकवरी डेट इज बेस्ड ऑन एनी अदर मेथड। सही है, सुनो, अदर में लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट का क्या रहेगा, 168%, राइट। इट मीन्स अब आप आ जाइए, दिस इज योर फर्स्ट प्रोसेस ए अकाउंट। मैंने आपको क्या बताया, इसमें एक्चुअल प्रोडक्शन अपने को नहीं दे रखा है। जब एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं दे रखा है, राइट, तो फिर आपको वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप चले जाइए टू मटेरियल, कितना है, 10,000 एट द रेट ऑफ 1 इज 10,000। ये पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, अमाउंट, ठीक है। टू मटेरियल, टू सन्ड्री मटेरियल, 1,000, टू डायरेक्ट लेबर, 5,000, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, 1,050, एंड टू ओवरहेड के बारे में क्या बोला है फ्रेंड्स, 168% टू ओवरहेड, 168% ऑफ 5,000। इट मीन्स 5,000 इंटू 1.68 इज 8,400 बाय नॉर्मल लॉस। क्या नॉर्मल लॉस अपन को दे रखा है, ए में 5%, 5% ऑफ 10,000 इज 500 एंड बाय
प्रोसेस बी अकाउंट 9500, ये आपका क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग 500 को सेल करेंगे हमको कितना मिलेगा, ये 25 पैसे। इसका मतलब 500 इंटू 0.25 एंड दिस कम्स टू 500 इंटू 0.25 इज 125। इट मीन्स टोटल विल बी ये 10,000, ये आपका 10,000, ये 10,000, 1,000, 5,000, 1050, 25,450, 25,450 माइनस 125, 25,325। परफेक्टली क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इसके अंदर आपको एक्चुअल आउटपुट नहीं दे रखा है, इसके अंदर आपको एक्चुअल आउटपुट नहीं दे रखा है। और जब अपने को एक्चुअल आउटपुट नहीं दे रखा है तो आपको वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोग एज्यूम करेंगे कि दिस इज ए बैलेंसिंग फिगर, मतलब जो भी हमारा लॉस काटने के बाद जो बचेगा वो हमारा आउटपुट हो जाएगा। आउटपुट का कॉस्ट है 25,325, आउटपुट है आपका 9500। कंटिन्यूस प्रोसेस है तो आउटपुट ऑफ प्रोसेस वन बिकम्स अ इनपुट ऑफ प्रोसेस टू। सो दिस इज योर प्रोसेस ए। नाउ यू गो टू दिस इज योर प्रोसेस बी। टू प्रोसेस ए, टू प्रोसेस ए, प्रोसेस ए आपका 9500, 25,325, टू सन्ड्री मटेरियल 1500, टू डायरेक्ट लेबर 8,000, टू डायरेक्ट एक्सपेंस 1188, टू ओवरहेड 168% ऑफ 8,000, 8,000 इंटू 1.68, 13,440 बाय नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस 4% ऑफ 9500। इट मीन्स 9500 इंटू 4% इज 380। कितने में बिकेगा फ्रेंड्स, 50 पैसे पर यूनिट इंटू 0.5। आपका सबसे बड़ी बेनिफिट है कि आपको लिखना नहीं है कुछ, आपको सब कुछ प्रिंटेड फॉर्म में दे रखा है। इट मीन्स बाय प्रोसेस बी अकाउंट, नहीं बाय प्रोसेस सी अकाउंट, बाय प्रोसेस सी अकाउंट, दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। इट मीन्स 9500, 9500, 9500 माइनस 380 इज 9120, 25,325 प्लस 1500 प्लस 8,000 प्लस 1188 प्लस 13,440 इस 49,453 माइनस 190 इस 49,263। अगर आपको एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं दे रखा है, अगर आपको एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं दे रखा है तो आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं दे रखा है तो आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं। सही है, सुनो फ्रेंड्स, नाउ बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग, रिवर्स चलेंगे अपन इसमें ना। तो अब आप आ जाइए, दिस इज योर प्रोसेस थ्री, प्रोसेस सी,
output of process B becomes the input of process C. It means two process B. प्रोसेस बी से हमें क्या मिला, 9120 उसका कॉस्ट है 49263, ठीक है ना, 9120 49263, टू सन्ड्री मटेरियल, टू डायरेक्ट लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, राइट, 1480 6500 1605, टू ओवरहेड 168% ऑफ 6500 इंटू 1.68 इज 10920. ऑल राइट फ्रेंड्स, बाय नॉर्मल लॉस एंड बाय finished goods. अब आपको क्या दे रखा है फ्रेंड्स, दिस इज योर 9120, टोटल 49263, 1480 6500 1605, 10920, 80,000. दिस इज योर 168% ना फ्रेंड्स, 49 263 1480 6500 1605 10920 इज 69768. इट मीन्स ये टोटल भी हमारा क्या आएगा, 69768. अब बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ध्यान देने की बात यहाँ पर है, आपकी बहुत ही ध्यान से आप समझिए जरा चीज को, बराबर है, क्या बोल रहे हैं, द ओवरहेड चार्जेस दिस, द फाइनल प्रोडक्ट वॉज सोल्ड फॉर 10, फेचिंग ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस. इसका मतलब अगर आपका सेलिंग प्राइस 10 है तो आपका प्रॉफिट है 20% ऑफ 10 इज 2, तो आपका कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस 10 है, वो बोल रहा है कि 20% आपका क्या रहेगा प्रॉफिट, आपका सेलिंग प्राइस क्या है 10, 20% आपका क्या रहेगा प्रॉफिट, आपका कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगा 8, एंड कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है, इट मीन्स योर टोटल कॉस्ट, रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस. टोटल कॉस्ट है 69768 माइनस, इनपुट है आपका 9120 माइनस नॉर्मल लॉस को एज्यूम किया x, तो ये सेल कितने में होगा 1x, और आपका कॉस्ट पर यूनिट आपको दे ही रखा है इज 8 रुपीज. ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड्स, मीन्स आपका टोटल कॉस्ट माइनस रियलाइजेशन नॉर्मल लॉस, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, ये इक्वल टू आपका आएगा रुपीस, आपका क्या आएगा रुपीस 8. सही है सुनो फ्रेंड्स, सही है सुनो फ्रेंड्स, इट मीन्स कैसे करेंगे, 9120 इंटू 8 माइनस 8x इक्वल टू 69768 माइनस x माइनस 7x इक्वल टू 9120 इंटू 8 माइनस 69768 इज 3192. 8 9120 into 8
एट इंटू एक्स इक्वल टू इक्वेशन आ जाएगा 769। इट मीन्स एक्स इक्वल टू इट मीन्स डिवाइडेड बाई 7 एंड दिस कम्स टू 456। आपका जो नॉर्मल लॉस होगा दैट इज 456। यू कैन वेरीफाई ऑल्सो योर आंसर। इट मीन्स 456 आपका नॉर्मल लॉस है। आपने इनपुट कितना डाला है 9120 इंटू 100। इट मीन्स 456 डिवाइडेड बाई 9120 इंटू 100 एंड दिस कम्स टू 5%। इट मीन्स 5% ऑफ 9120 इंटू 5% आपका आएगा 456। कितने में बिक रहा है? 1 rupees। 456 माइनस 69768 इज 69312। ओके, और क्वांटिटी हमारा होगा 9120 माइनस 456 इज 8664। इट मीन्स 69312 डिवाइडेड बाई 8664 इज 8 rupees पर यूनिट। 69312 डिवाइडेड बाई 8664 इज 8। दिस इज अ रिवर्स क्वेश्चन, मीन्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। आप जरा देख लीजिए, अगर रिवर्स क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। आप समझ लीजिए, रिवर्स हम लोग गए हैं इसमें। कॉस्ट पर यूनिट हमारा क्या दे रखा है उसने? सेलिंग प्राइस अपने को दे रखा है 10। सेलिंग प्राइस बोल रहा है 10 है, 10 में 20% प्रॉफिट है तो 2 rupees निकल जाएगा। तो कॉस्ट पर यूनिट हमारा क्या आएगा? 8। कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट यहाँ से ले लिया, इनपुट इनपुट यहाँ से ले लिया, और नॉर्मल लॉस हम लोगों ने एज्यूम किया x, और सेल्स वैल्यू उसका क्या है? 1 rupee पर यूनिट। सी में क्या है? 1 rupee पर यूनिट। इक्वेशन सॉल्व किया, 8 इंटू 9120 एट इंटू 8x देन 69768 एंड सॉल्व किया। सो यस ऑन फ्रेंड्स, सो ये आपका था बेसिक पार्ट एकदम ना। अब इसी के बेस पे आपका मैं एक अलग से इंस्टीट्यूट साथ में इसको सिखाता है, मैं अलग से उसको कॉन्सेप्ट को सिखाते हैं। वो नेक्स्ट टॉपिक में आपको सिखाऊंगा इज ए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। कि अगर प्रोसेस करने के बाद हमें अभी तक हमको क्या मिल रहा था? फुल फिनिश गुड्स मिल रहा था। अगर पूरा फिनिश गुड्स मिलेगा, कुछ WIP मिलेगा, तो हम क्या करें? और वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो अकाउंट्स में भी आता है WIP वैल्यूएशन, आपका कॉस्टिंग में भी आता है WIP वैल्यूएशन, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आता है WIP वैल्यूएशन, हर जगह आपको ऑडिट में भी आएगा WIP वैल्यूएशन। वैल्यूएशन ऑफ WIP इज द मेन। वो कैसे करेंगे? वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू वेरी मच।